चलते चलते काफी भूख लग रही है, तो हम लाल किला यानी कि रेड फोर्ट आगरा फोर्ट के साइड में हम लोग कुछ खाने पीने की शॉप है फास्ट फूड की, तो आप अभी हम कुछ ट्राई करने वाले हैं। बहुत भूख लगी है सच में। अरे देखो कौन मिलने आया आपसे, नहीं वो अपने आप से लंबी बात देखो दीदी आ गया। दीदी से मिलो तो सही। अरे अरे तो अभी आए हैं हम लाल किला, जैसा देख पा रहे हैं पीछे। और बताइए सब बढ़िया चल रहा है? लाल किला के सामने अभी ना खाना के ऑर्डर किया जा रहा है। बाबू को भी लेते चलेंगे, चलो चलो पहले बाबू खाना अभी खाना खाएंगे, देन हम जाएंगे लाल किला भी। आज ये रायता, आलू में बैंगन, गोभी मिक्स वेजिटेबल, आलू गोभी गाजर, छोले और ये शायद दाल है, चावल रोटी, चम्मच भी बढ़िया। जस्ट अभी मैंने यहाँ पे भाभी बैठी है ना, यहाँ टेबल पे बैठ के खाना खाया। अभी यहाँ पे बेबी थोड़ा हाथ पैर मार के खेलने से हम थोड़ा रुके हुए हैं। और ये देखो आगरा फोर्ट की तस्वीर एकदम सामने है। Hey guys, what's up and welcome back to my vlog. So हम देखिए ये दृश्य है आगरा फोर्ट का, ये हम देखने के लिए आ गए। कंटिन्यूशन टू द सेकेंड पार्ट अभी हो रहे हैं, दोपहर के 3:15 हमने लंच कर चुका है और लंच काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गया, मुझे तो नींद जैसी आ रही चावल खाने का। तो वैसे भी आप कोई खाना खाओ और पेट भर के खाओ तो ज़्यादा ही नींद आती है, तभी जो भी सोना है वो सब क्या बोलते हैं उसमें ही करेंगे, ट्रेन में ही करेंगे। और फिलहाल अभी तो हम चलते हैं, अंदर जाते हैं क्योंकि हमारी फिर वापसी की भी ट्रेन एक ही दिन की हमने करवाई, क्योंकि विष्णु की मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे छुट्टी है। तो मंडे हमने सोचा हम आगरा घूम लेंगे, ट्यूसडे हमने सोचा कि तो व्लॉग में आपको पता चलेगा, वेडनेसडे का कुछ पता नहीं, हो सकता हम आराम भी करें, चलो जो भी होगा देखेंगे। फिलहाल अभी तो हम लोग मंडे है तो यहाँ पर है अभी अपनी सेकंड डेस्टिनेशन। हाँ चलो, सामने से कुछ ऐसा लुक है आगरा फोर्ट का। ओ भाई कितना गहरा है ये देखो। कहते हैं जो पत्थर होते हैं ना, ये वाले पत्थर लाल वाले, इनमें ना गर्मी नहीं लगती है, बट एक्चुअल में ऐसे ही होता है। चलो मैं वैसे ही ले लेता हूं। तो ये जो इस ओर चेन को खींचते हैं तो यहाँ से ये पूरा दरवाजा बंद हो जाता है। तो दिस इज द एंट्रेंस, हम लोग यहाँ गेट से अंदर घुसे और अभी हम यहाँ पे आ गए। वाकई में बहुत ठंडा है। बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ जो कि आगरा के ताजमहल में और आगरा के लाल किले में दिए गए, वो है एक्वा गार्ड का प्योरीफाइड पानी, जो कि ऑलमोस्ट उसका जो टेस्ट है वो बिस्लेरी के वाटर के जैसा होता है। तो जैसा हम पीते हैं ना, तो हम सोचते हैं पता नहीं वैसे कहीं और स्टेट में मिलेगा कि नहीं, बट यहाँ मिल गया थैंक्स टू गॉड। तो यहाँ पर पीने का पानी लोग पी रहे हैं, मुँह भी धो रहे हैं। और ये है
ये बाप रे, ओके अच्छा लग रहा है ना। लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बट पता नहीं, गर्मी तो इतनी है नहीं, हाँ धूप में जा रहे हैं तभी गर्मी लग रही है, वरना जब हम किले के अंदर जाते हैं तब कोई भी गर्मी नहीं लग रही है, ठंडा लग रहा है। तो हमने मुँह धो लिया क्योंकि हम धूप में बैठे हुए थे ना इसीलिए। तो यहाँ पे एक और एंट्रेंस है, पता नहीं चल रहा कि ये कौन सा एंट्रेंस है मेन। अंदर तो हम घुस चुके हैं, सॉरी बड़ा वो सेंग, अंदर तो हम घुस चुके हैं। वाह यार, किले के अंदर जो ठंडी हवा है ना, ऐसा लग रहा है जनवरी का महीना चल रहा है। यहाँ पे देखो रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, फिर बोलते हैं इसने बनवाया उसने बनवाया, बनवाते तो हैं लेकिन ये फिर उसको ही दोबारा करते थे को, जैसे ये है ना, ये हो गया। या विष्णु ये कितनी ऊंची चढ़ाई है, दीवार देखो, पता नहीं इसमें इतनी लंबी दिख रही होगी कि नहीं, दीवार बहुत ज़्यादा लंबी। मुझे इसको देख के एक ही दीवार याद आती है, यरीहो की दीवार। तो कुछ ऐसा लुक है किले के अंदर का, ये साइड का है एंड की राइट हैंड साइड का। हम यहाँ नीचे से आए और अगेन वाह, यहाँ से कितने एंट्रेंस है समझ नहीं आ रहा। वाह ऊपर वाली मंजिल देख रहे हैं, वाह बच्चों के लिए बनाया बेबी के रूम, जो हमने अभी ताजमहल गए थे वहाँ पे भी यूज़ किया था क्योंकि हमारे बच्चे ने डायपर गंदा कर दिया था, तो इसलिए हमको रूम लेना पड़ा। बहुत ज़्यादा रो रहा था, बाद में सो गया, शायद सोने के लिए रो रहा था। कितने अच्छी तरीके से सोच के चीज़ें बनाई गई होंगी। हाँ ये जो चीज़ होती है ना, जैसे ये वगैरह ये सब कैसे दिमाग में और कैसे 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 उस टाइम बनाते हैं। आजकल इस टाइम पर हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता नहीं है, है ना। वाह ऐसे ऐसा लगता है जैसे कोई स्टेज हो, यहाँ सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पूरी ऑडियंस बैठती है और वो कॉरिडोर है। जोधा अकबर में जो आपने शूटिंग, अगर जोधा अकबर मूवी देखी होगी तो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये एरिया, ये जोधा अकबर में ये ना जो अकबर होता है ना वो यहीं पे बैठता है, एक सेकेंड, तो वो यहीं पे आके बैठता है घुटने टेक कर। ये वही जगह है, उस पिक्चर की शूटिंग यहीं पे हुई थी आगरा में। तो ये है डोर, इसको यहाँ की भाषा में, यूपी की भाषा में बोलते हैं किवाड़, और ये यहाँ से लॉक कर दी जाती है और ये वेंटिलेशन के तौर पे बनाया है। तो देखो ये गार्डन दिख रहा है कितना मस्त बना है। क्या सोचिए, मैं एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, अगर आपने वो चीज़ नोटिस नहीं की है तो देखो। सो यहाँ पे कुछ प्लांट्स है, इसके बीच में फिर ये पत्थरों का डिज़ाइन है, फिर यहाँ प्लांट्स हैं, फिर यहाँ प्लांट्स हैं, फिर ये पत्थरों का, ऐसे ऐसे करके बनाया है। तो यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा। सो अब जब मैंने पढ़ा कि इस बाग को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे लिखा है अंगूरी बाग। सो इस बाग को कहते हैं अंगूरी बाग। अंगूर तो दिख नहीं रहे दूर दूर तक, पता नहीं इस बाग का नाम अंगूरी बाग क्यों रखा है।